एक बंदा न रोया अपने सपनों के लिए, अपनों के लिए वो बहुत खास, जो न जाने उसको वो लगी बकवास, वो करे है दोस्तों के साथ स्टार्ट, उसकी जर्नी हुई स्टार्ट। हाँ, लड़का नलबारी का रहता पाठशाला था, बचपन से ही मामा घर में रहने का झमेला था, ना किसी से करता बातें ना कोई जाने उसे, ये छोटा बंदा सातवीं में हुआ फेल था, लोगों की किस्मत बेटा कब बदलती कौन हा जाने, कल क्या एक गुमसुम बच्चा आज पूरी दुनिया जाने, उसकी सिंपलिसिटी और स्माइल है बहुत खास, यूट्यूब की दुनिया में वो आसाम को रिप्रेजेंट करे, फेम से उससे मतलब नहीं, मस्त अपनी दुनिया में पैसे कम कमाए शायद, लेकिन वो बिकाओ नहीं जाता उन जगह जहाँ लोगों की जरूरत, उसे अपनी शक्ति का वो दुरुपयोग करता नहीं, उसको जैसे फील्ड में लोग आए बहुत है, पर उसके ज्यादा लोग फॉलो करके चले गए, सबका कंटेंट सेम पर उसमें अलग क्यों, ज्यादा लोग उसी को देखते तुम बताओ क्यों, अपने कंटेंट में ऐसी बात लेके आया, आसामीज भाषा को वो पास लेके आया, धीरे और आराम से उसने सारा है समझाया, लोगों को समझ ऐसी बात को बढ़ाया, नंबर वन यूट्यूबर का टैग लेके आया, अपने छोटे से जगह को वो गर्व है कराया, खत्म नहीं जर्नी अभी बहुत जाना आगे, छोटे दुबई जैसी जगह को वो शेयर करके आया, अपनी हर एक वीडियो में नया कुछ बोलाता, बुरी चीज कौन सी और अच्छी कौन सी खाता, नेगेटिविटी से भरी इस दुनिया में नहीं पड़ता उसको वो किसी की आगे बढ़ता जाता, एक बंदा न रोया अपने सपनों के लिए, अपनों के लिए वो बहुत खास, तो न जाने उसको वो लगे बकवास है, दोस्तों के साथ कर स्टार्ट, उसकी जर्नी हुई स्टार्ट। ये डिंपू बोरुआ आज असम में भी खात, डिंपू दा बोले सब देते बहुत इज्जत, हम सब आपके साथ करो ना फिकर, एक सेलिब्रिटी से भी ज्यादा आपका है जिक्र, बंदा वो सीधा साधा लोगों में मशहूर, उसके ज्यादा फॉलोअर्स है तो उसका क्या कसूर, तुम चाहो हेड फैलाना तुम फैलाओ।